अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 17। चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अब हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था और उसने कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने क्या है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया था, एक थीन शीट ली थी गोल्ड की जिसकी थिकनेस क्या थी 0.00004 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस थी। जो उसने अल्फा पार्टिकल यूज किए थे इस शीट में से पास करवाए थे वो थे हीलियम न्यूक्लियस थे। इसने इसका सोर्स क्या था कि कहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था रेडियम, वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स लिए, उनको क्या है गोल्ड फॉइल्स जो थीन शीट थी गोल्ड की उससे पास करवाया, फिर देखा कि ये अल्फा पार्टिकल्स की क्या है डायरेक्शन क्या है और इधर किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इसके बाद फिर उसने क्या है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में उसने इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इस एक्सपेरिमेंट में उसने नहीं की थी। तो इस जिंक सल्फाइड क्या था, एक क्या डिटेक्टर लिया था, वो इनर कोड एक वो डायग्राम बनी है उसके अंदर क्या था उसकी इनर कोड है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे वो जिंक सल्फाइड की बनी होगी, एक डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है कि डायरेक्शन क्या है वो क्या है किस तरफ क्या है आपके स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म कैसे किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये डायग्राम देखें, एक सोर्स किया था जो क्या है कोलिमीटर या शील्ड था, लेड का सोर्स था जिसके अंदर क्या है थीन होल था, थीन होल से क्या अल्फा पार्टिकल्स क्या है मूव कर रहे हैं, ये क्या है एक गोल्ड फॉयल है जिसकी थिकनेस मैंने बताया कि 0.004 सेंटीमीटर है। जब अल्फा पार्टिकल इसके से क्या है स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये देखें ये अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है मूव कर रहे हैं इनकी डायरेक्ट। कुछ कहते हैं कि अगर 1000 अल्फा पार्टिकल्स की रेस पास कर दी तो उसमें से कोई 1 या 2 होंगे जो क्या है दोबारा जिस डायरेक्शन जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं कि निकली हैं वहाँ पर मूव बैक मूव करेंगे, बाकी सब क्या है वो जब इस थीन का है इस थीन गोल शीट है गोल्ड की इसी तरह स्ट्राइक करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है मूव करेंगे। ये जिंक सल्फाइड की क्या है एक शीट उन्हें इसके अंदर क्या है प्लेस की डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है तो कहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक क्या देखा था कि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है जब अंदर स्ट्राइक तो एक हैवी वो क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है टर्न हो गए हैं, मतलब वो अपने सीधा कुछ तो सीधे मूव कर गए थे कुछ क्या है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर गए हैं। तो ये देखा था उसने कि न्यूक्लियस के दरमियान में क्या है एक सॉलिड चीज है कोई जो है जिससे क्या है अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके वो अपनी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और साइड में क्या है एक एम्प्टी स्पेस है क्या है यहाँ से देखें अल्फा पार्टिकल जब मूव किए हैं तो सीधे स्ट्रेट चले गए हैं, जब क्या है इससे क्या है दरमियान में कोई ऐसी चीज है जिसके साथ स्ट्राइक किए तो उसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर दी है, ये उसने एक स्ट्रक्चर दे दिया था। इस चीज को उसने क्या नाम दिया था कि ये जो दरमियान वाला ये क्या है न्यूक्लियस। तो इससे क्या एक्सपेरिमेंट से इसने ऑब्जर्व किया कि जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज होंगे क्योंकि हीलियम क्या है वो भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस को आपस में क्या करते हैं रिपेल करते हैं, तो जब हीलियम निकलाई क्या है अल्फा पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक किए तो उन्होंने इसको रिपेल किया तो वो क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किए एज कम इसके बजाय कि वो इसके अंदर से गुजर जाए, तो इसको इसने नाम क्या दिया न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता होता है क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने तो प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। इसके बाद उसने क्या कहा था कि इसके सराउंड इन पॉजिटिव चार्ज और पार्टिकल इसके सराउंड में क्या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे क्या है वो देखें अल्फा पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पास कर रहे हैं इसमें से कोई भी रिपल्शन नहीं है बल्कि क्या है अट्रैक्शन। ये था इसका एक्सपेरिमेंट जिसमें इसने क्या था इसके कंक्लूजन क्या थे, इसने सबसे पहले जो कंक्लूजन वो ये था कि एटम क्या है कंसिस्ट होता है 2 पार्ट पे, एक क्या होता है न्यूक्लियस दूसरा क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो ये बता दें जिसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस क्या होता है ये जिसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो जगह होती है उसको इसने क्या नाम दिया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, जिसके क्या है इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में और जिस स्पेस में उसको हमने उसने क्या नाम दिया था ऑर्बिट का नाम दिया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे मूव, इसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियस का नाम दिया था। पहला कंक्लूजन ये था इसके एक्सपेरिमेंट का। सेकंड क्या था कि न्यूक्लियस क्या
कि वो एक्सट्रीमली स्मॉल चीज है। क्या देखें ये पूरा क्या था, एक एटम है, उसके अंदर क्या न्यूक्लियस क्या है, बहुत ज्यादा क्या एक छोटी सी चीज है जो देखें है क्या हाईली पॉजिटिव ये चीज है, जिसके अंदर जिस अगर अल्फा पार्टिकल को हम स्ट्राइक करें तो फॉल करें इसके ऊपर तो वो क्या है स्ट्राइक करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो उसने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल चीज है किसी भी एक एटम के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। तो ये किस कहाँ पे होगा, किसी भी एटम के सेंटर में होगा। थर्ड जो उसका पॉइंट था वो क्या था कि उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, वो जो है और इनको किसने के जो चीज़ रिवॉल्व कर रही है नेगेटिव चार्ज, उसको इसका नाम क्या नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का, वो किस न्यूक्लियस के क्या अराउंड में मूव कर रहे हैं सराउंडिंग में। इस फोर्थ जो उसका पॉइंट था वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉल न्यूक्लियस। देखिए जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है इलेक्ट्रॉन वो क्या है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस चीज़ को उसने क्या नाम दिया था ऑर्बिट का नाम दिया था। इसने क्या था क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, कि सेंट्रीफ्यूगल जब मूव करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी जिसकी वजह से क्या है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फॉल नहीं करेंगे। वैसे तो अट्रैक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव की, लेकिन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या है रिवॉल्व करते रहेंगे और वो इसके अंदर फॉल मतलब इसके अंदर गिरेंगे नहीं, और इसका एटम का स्ट्रक्चर क्या है वो रैप्चर नहीं होगा। ये इसके एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन था। फिफ्थ क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होती है अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या होगी एम्प्टी। कहते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादातर स्पेस है वो क्या है एम्प्टी। ये इसके फाइव कंक्लूजन थे इसके एक्सपेरिमेंट के जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, और साथ क्या थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।